नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर निकाली गई भव्य साई पालकी शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते रहे श्रद्धालु। मोकामा के बाहुबली विधायक नहीं लगे पटना पुलिस के हाथ, दिल्ली के साकेत कोर्ट में अनंत सिंह ने किया सरेंडर। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत रविवार से शुरू होगी पुलिस पाठशाला, एसएसपी आशीष भारती ने शिक्षाविदों के साथ की बैठक। अनपढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस नेत्री ने शबाना दाऊद पर साधा निशाना, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का लगाया आरोप। और शराबबंदी के बाद भी नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार, जगदीशपुर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्कर को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को भागलपुर घंटाघर भगत सिंह चौक के समीप संकट मोचन दरबार से साईं बाबा की भव्य पालकी नगर भ्रमण शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा संकट मोचन दरबार साईं मंदिर से निकलकर पोस्ट ऑफिस, कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, आदमपुर चौक, नया बाजार, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक समेत कई चौक चौराहों का भ्रमण किया। हाथी घोड़ा बाजे गाजे और ढोल नगाड़े के बीच पालकी यात्रा में हजारों की संख्या में पुरुष, महिला, युवक, युवती एवं छोटे बच्चे झूमते दिखे और शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण और साईनाथ का जयघोष गूंजता रहा। जगह जगह साई पालकी के साथ भक्ति धुनों पर महिलाएं एवं युवती थिरकती रही और उमस भरी गर्मी एवं तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। युवाओं एवं पुरुषों के अलावा महिलाओं ने साई पालकी को कंधा दिया और साई का आशीष लिया। इस दौरान मंदिर के प्रधान व्यवस्थापक पंडित दिनेश चंद्र झा, अध्यक्ष प्रदीप यादव, सचिव अरुण कुमार गुप्ता समेत काफी संख्या में आयोजन समिति के सदस्य और विभिन्न जगहों से आए हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं पालकी भ्रमण यात्रा से पूर्व साईं दरबार में पूरे विधि विधान से साईं बाबा का अभिषेक किया गया। काफी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने साईं का अभिषेक किया और साईंनाथ के जयकारे से मंदिर गूंजता रहा। इसके बाद साईं के बिगड़ा का श्रृंगार कर आरती की गई, जिसमें काफी संख्या में शामिल भक्तों ने हिस्सा लिया। जबकि इस दौरान मंदिर में लगातार भजन कीर्तन का दौर चलता रहा और कीर्तन मंडली के साथ महिला भक्तों ने भी साईं भजन में हिस्सा लिया और भक्तों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए साईं की पूरे भक्तिभाव से पूजा की। कार्यक्रम को लेकर जहां साईं दरबार को आकर्षक ढंग से सजाया गया, वहीं पूरे मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया। इस दौरान भक्तों ने मां दुर्गा, राम दरबार, राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की और मंदिर के अंदर बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर मंदिर के समीप काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हम आपको बता दें कि आर्म्स एक्ट मामले में विधायक पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे थे। 16 अगस्त को विधायक अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से ही पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन पटना पुलिस विधायक को पकड़ने में नाकाम रही। अनंत सिंह के पैतृक गाँव नंदवा स्थित घर में पुलिस ने छापेमारी कर AK-47 हैंड ग्रेनेड कारतूस बरामद किया, जिसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पूर्व अनंत सिंह विधायक आवास से फरार हो चुका था। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस पाठशाला को लेकर भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने शुक्रवार को पुलिस पदाधिकारी और शिक्षाविदों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 अगस्त को सैंडिस कंपाउंड के ओपन थिएटर में निशुल्क पुलिस पाठशाला का शुभारंभ किया जाएगा और उसी दिन से कक्षा की शुरुआत होगी। बैठक के दौरान पुलिस पाठशाला को लेकर एसएसपी आशीष भारती ने कई दिशा निर्देश दिया और सभी शिक्षकों से पूरी तन्मयता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही। वहीं निशुल्क पुलिस पाठशाला में अपनी सेवा दे रहे शिक्षक अजय कुमार यादव ने कहा कि पुलिस की इस पहल से कई गरीब और मेधावी छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित की है। बैठक में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, ततारपुर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार, रविकांत घोष, सुनील कुमार, गोपाल कृष्ण झा समेत कई पुलिस अधिकारी और शिक्षक मौजूद थे। हम तो उसमें शिक्षक है, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना और ये जो पुलिस पाठशाला जो चलती है कमिटी पुलिस, ये पुलिस के द्वारा एक अच्छी पहल है। जो नीचे तबके के विद्यार्थी हैं जिनको सुविधा नहीं मिलती है वो इसमें आकर पढ़ते हैं और अभी वर्तमान में कम से कम 46-47 SI हमारे पुलिसिंग कमिटी के द्वारा सेलेक्टेड किए गए हैं और ये पहल हमारे विश्वविद्यालय के थाना प्रभारी समरेंद्र सर और माननीय SSP मनोज सर के द्वारा ये किया गया था और आज उसी को वर्तमान SP आशीष सर और हमारे कमिटी पुलिस के जितने भी
सम्मानित सदस्यगण हैं, शिक्षकगण हैं, जो इस कर्मा को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महासचिव अनामिका शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनपर विश्वविद्यालय को लेकर कई सवाल खड़े किए। अनामिका शर्मा ने जदयू नेत्री सवाना दाऊद और जमींदाता उदय पांडे पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अनपर यूनिवर्सिटी के नाम पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं नीशु सिंह ने सांसद अजय मंडल द्वारा अनपर विश्वविद्यालय के लिए जारी फंड और बिना वन विभाग से एनओसी लिए वृक्ष कटवाए जाने पर आपत्ति जाहिर की, जबकि एनएसयूआई के संयोजक बम्बमप्रीत ने पूरे मामले पर जिला प्रशासन से जांच की मांग की। आप देख रहे होंगे 2016 में एक अनपढ़ विश्वविद्यालय खुला था, जिसका उद्घाटन जो है वो उस समय के विधायक अजय मंडल जी ने किया था। तो मेरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तीन सवाल मेन पूछना चाहते हैं। पहला सवाल कि वो जो जमीन है वो बिहार सरकार का जमीन है, उसको भूमिदाता के रूप में उदय पांडे ने कैसे ट्रांसफर किया। उसके बाद उस बिहार सरकार के जमीन पर फतेह हेल्प सोसाइटी की संचालिका जो है वो अनपढ़ विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कैसे की, और तीसरा उस समय के विधायक जी ने जो उनको फंड दिया तो क्या फंड देने के पहले बिना कोई जांच पड़ताल किए जो है इस तरह से फंड डोनेट कर देते हैं विधायक जी। यहाँ नाली के लिए, रोड के लिए लोग परेशान रहता है और एक विश्वविद्यालय के लिए बिना जांच परखे किए हुए बिहार सरकार के जमीन पर विधायक जी फंड देने कैसे आ गए। ये बहुत अहम सवाल है और इस तरह से जो भागल घोटाले हो रहे हैं कि बिहार सरकार के जमीन को कोई अपने नाम पर कैसे रजिस्टर करके भूमिदाता में अपना नाम लिख रहा है, वो बैनर लगा है, बैनर में शहर के गणमान्य लोग वहाँ पर खड़े हैं, क्या उसमें से किसी को यह पता नहीं था कि या सबों की मिली जुली ये साजिश थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगदीशपुर पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर पुलिस को झारखंड से शराब की खेप लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने जगदीशपुर सनहौला मोड़ के समीप तलाशी अभियान चला रही थी। उसी दौरान झारखंड की ओर से तेज रफ्तार आ रही कार को पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा, जिससे पुलिसकर्मियों ने खदेर कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार की डिक्की से 5 बोरे में बंद 1307 पैकेट शराब बरामद किया। साथ ही बांका के राजौर निवासी अभिजीत कुमार और भागलपुर लोधीपुर निवासी किशोर कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों शराब तस्करों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अवैध शराब का कारोबार करने की बात कही। वहीं पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर के किशनपुर बाईपास के समीप सिलेंडर से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ट्रक चालक पूर्णिया प्लांट से गैस लेकर भागलपुर आ रहा था। इसी दौरान किशनपुर बाईपास के समीप ट्रक चालक को अचानक झपकी आ गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि सड़क सुनसान रहने के कारण किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं पुलिस ने सभी सिलेंडर को जब्त कर लिया है। ड्राइवर साहब ने बताया कि पूर्णिया से गैस लोड करके हम आए हैं और नींद के कारण जो गाड़ी है से पलटी कर गया है। तो पलटी कर गया तो हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग दल बल के साथ आए और गैस सिलेंडर छितिर बितिर थे तो उसको कलेक्ट किए और गैस सिलेंडर को मैंने कलेक्ट करके और सही सलामत है। ड्राइवर साहब भी सही सलामत है, बहुत हादसा होने से बचा। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित विवाह भवन में शुक्रवार को अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय धानुक महासंघ भागलपुर इकाई की ओर से किया गया। शहादत दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए शहीद क्रांतिकारी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए सीतामढ़ी में बच्चे बूढ़े और औरतों को गोली से छलनी कर दिया था। इसी गोलीकांड के विरोध में शहीद रामफल मंडल ने तत्कालीन SDO इंस्पेक्टर और हवलदार को गरासे से काटकर हत्या कर बदला लिया था और आजाद बिहार के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई थी। भागलपुर साजंगी पंचायत के मोहीउद्दीनपुर में शुक्रवार को ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले में पिछले एक साल से ओवरलोड की समस्या है, लेकिन बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है। वहीं साजंगी के गुलशन ने कहा कि ओवरलोड की समस्या को लेकर कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखने के बाद भी समस्या जस की तस है। वहीं शुक्रवार को पंखा टोली चौक के समीप ट्रांसफार्मर में आग लगने से कई लोग बाल बाल बच गए। फिलहाल इलाके में बिजली आपूर्ति ठप है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भागलपुर के विभिन्न ठाकुरबाड़ियों एवं मंदिरों में भक्तों ने भगवान कृष्ण एवं राधा रानी की पूजा अर्चना की। सभी राधा कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। संकट मोचन दरबार स्थित राधा कृष्ण दरबार में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, जबकि भागलपुर के नाथनगर, कहलगांव, नगछिया समेत विभिन्न क्षेत्रों में जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की गई और सबों ने पूरे उत्साह एवं भक्ति के साथ बांके बिहारी लाल का जयकारा लगाया। इस दौरान ठाकुरबाड़ियों में कान्हा के विग्रह का अभिषेक किया गया और मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। निखिल आर्ट कुटीर एवं कला बिंदु की ओर से इंद्रदेव सिंह की स्मृति में चित्रकला एवं मंजूषा कला प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को भागलपुर के हवाई अड्डा गोपालपुर में किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर समेत विभिन्न जगहों से आए कलाकारों ने गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित पेंटिंग बनाई, जबकि मंजूषा कलाकारों ने मंजूषा कला के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाया। इस दौरान अलग अलग तरह की पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखकर लोगों ने काफी सराहना की। कला बिंदु के सानू कुमार वर्मा ने कहा कि विगत 7 वर्षों से इंद्रदेव सिंह की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर मंजुलता सिंह, अनिल कुमार, वकील पंडित समेत आयोजन समिति के सदस्य एवं प्रतिभागी मौजूद थे। और इसमें हम इस कार्यक्रम में मनीषा चित्रकला और पेंटिंग प्रतियोगिता, जिसमें कि 50 से 60 से ऊपर बच्चे लोग भाग लिए और वो अभी पेंटिंग कर रहे हैं और कुछ देर के बाद इसका परिणाम भी इसी मंच पे दिया जाएगा, जो कि माननीय सांसद जी के हाथ से उनको पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर सिंह ने नाथनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरी शंकर सिंह ने कहा कि नाथनगर में उपचुनाव होना है और इसको लेकर सभी कार्यकर्ता गांव, टोला एवं मोहल्ला में घर घर जाकर युवाओं को भाजपा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही कहा कि हर वर्ग को पार्टी से जोड़कर देश को विकास के मार्ग पर ले जाना पार्टी का लक्ष्य है। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में NDA की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाथनगर सदस्यता प्रमुख रामजी राय, दिलीप कुमार मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर निकाली गई भव्य साई पालकी शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते रहे श्रद्धालु। मोकामा के बाहुबली विधायक नहीं लगे पटना पुलिस के हाथ, दिल्ली के साकेत कोर्ट में अनंत सिंह ने किया सरेंडर।
कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत रविवार से शुरू होगी पुलिस पाठशाला। एसएसपी आशीष भारती ने शिक्षाविदों के साथ की बैठक। अनपढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस नेत्री ने शबाना दाऊद पर साधा निशाना, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का लगाया आरोप। और शराबबंदी के बाद भी नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार। जगदीशपुर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्कर को किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।